बच्चे ने बोला नहीं। अच्छा जी, तो अब ये देखिए बेटा, ये जो मेरे पास मिक्सचर है, चलिए जी, कैन यू सी दिस मिक्सचर? नीचे मिट्टी दिख रही है आपको, ऊपर ऑयल की लेयर दिख रही है, ठीक है, और इस पानी में मैंने सॉल्ट भी मिलाया हुआ है। तो हमारे पास क्या चीजें आ गई? वाटर आ जाइए इसमें, वाटर, ऑयल एंड सॉल्ट, ठीक है जी। अब हमने इसको कैसे अलग करना है? देखो, वाटर क्या हो गया है? सेडिमेंटेशन हो गई है, राइट? सॉरी, वाटर इज सैंड की सेडिमेंटेशन हो गई है। और अब हमने, चलिए जी, अब हम अगर इसको इसमें डालें ऊपर से, तो ये क्या है बेटा? जब हमने इसको ऊपर से डाला ताकि सेडिमेंट नीचे रह जाए, तो व्हाट इज इट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन। पहले सेडिमेंटेशन, फिर डिकेंटेशन। अब इसमें क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस ऑयल। बट अगर हम देखें तो ऑयल फिर ऊपर आ रहा है, यस और नो? हाँ ऑयल की लेयर ऊपर नजर आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? कल हमने किया था सेपरेटिंग फनल से, सेपरेटिंग फनल, लेट अस से सेपरेटिंग फनल है, खोलेंगे तो यहां से लेकर यहां तक पानी नीचे रह आ जाएगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा। और इस पानी में क्या है? इस पानी में सॉल्ट है। तो फिर हम क्या करेंगे? इस पानी को बॉयल करेंगे, तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। इज इट राइट? ठीक है, बट एक चीज और है बच्चों, कि अगर हमने पहले क्या किया, नीचे जो है दिस इज सैंड, दिस इज सेडिमेंटेशन, ये है वाटर प्लस सॉल्ट, और ऊपर किसकी लेयर बन गई? ऑयल ऑयल की। अब हमने क्या की? डिकेंटेशन। हमने इस पानी को धीरे धीरे करके बदल, दूसरे गिलास में, दूसरे बीकर में डाल दिया, डिकेंटेशन हो गई। यहां पे क्या रह गया? दिस इज सैंड, और सैंड, दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर एंड दिस इज ऑयल। बिस्तर मैं अब क्या किया बेटा? इसको हमने डाल दिया सेपरेटिंग फनल में, सेपरेटिंग फनल, यहां इसके नॉब है जिसको ये बंद किया हुआ है, ये ऑयल है और ये वाटर। जब इसको खोला तो क्या हुआ? यहां पे क्या रह गया? ऑयल रह गया। यहां पे क्या आ गया?
सॉल्ट प्लस वॉटर, वॉटर प्लस सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो इसमें घुला हुआ है। अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने हीट कर दिया। और इसको बेटा हमने किससे जोड़ दिया, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है बेटा, एक ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहां पे कोल्ड वाटर है, हीट करने से ये वाटर वेपर्स कंडेंसर में गए, पानी भी तो हमें चाहिए है ना बेटा। ये है वाटर वेपर्स, और यहां कंडेंसर में आके वाटर वेपर्स जो है, जो गैस था वो किसमें चेंज हो गया, वाटर में, दैट इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन प्रोसेस हुई और ये क्या बन गया, वाटर बन गया। वेपर्स कंडेंसर में गए जहां पे कंडेंसेशन हुई, गैसियस फॉर्म फिर लिक्विड में चेंज हो गई, और यहां पे क्या बचा, यहां पे पीछे बच गया सॉल्ट। दिस इज सॉल्ट, इज इट ओके, ठीक है। चलिए जी, अब कीजिए क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट वाला। डू द लास्ट क्वेश्चन। सिक्स ए कहाँ पे बैठी है, सिक्स ई के साथ। ओ, सिक्स साथ सी के साथ और ई के साथ, दोनों के साथ। के साथ अच्छा चलिए, सबके साथ है, थोड़े थोड़े स्टूडेंट, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, क्विकली डू क्वेश्चन नंबर 17, जो मैंने समझाया है वही है। मैं ये हाँ जी, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का लास्ट क्वेश्चन। यू आर प्रोवाइडेड विद मिक्सचर ऑफ साल्ट, सैंड, ऑयल एंड वाटर। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट, सैंड एंड ऑयल। हाँ जी, सिक्स ए, रेशम सिंह। रेशम सिंह इज देयर, कहाँ पर है, आ जाओ आ जाओ रेशम, आ जाओ। हाँ जी बेटा बोलो, अब यहाँ पे बोलो कि सेपरेशन ऑफ सॉल्ट, सैंड एंड ऑयल, ये हम पहला स्टेप क्या होगा बेटा इसको सेपरेट करने का, जोर से बोलो। हाँ सबसे पहले मुझे नहीं, देखो इतनी तेज आपकी आवाज आती है बट आपकी नहीं आ रही है, ये उठा के बोल लो, अपने पास ले आओ माइक को। सबसे पहले आ जाएगी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, राइट, जिससे सैंड अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट स्टेप क्या है, जब ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बैठो बेटा, जब ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आपने क्या लिखना है, फर्स्ट सैंड इज सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फर्स्ट स्टेप लिखोगे, सैंड इज फर्स्ट सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन। लिखो बेटा फटाफट से, असाइनमेंट पे लिखो, सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देन उसके बाद, चलिए सैंड अलग हो गई, उसके बाद हम क्या अलग करेंगे, राइट, तो सिक्स्थ बी, सिक्स्थ बी में से आ जाइए बेटा,
इशिका, इशिका इज देयर। आ जाओ आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ, असाइनमेंट लेकर आओ। सैंड हमने अलग कर दी, फिर हम क्या अलग करेंगे और किस प्रोसेस से अलग करेंगे? अब हमारे पास बचा सॉल्ट, ऑयल एंड वाटर। जोर से, सॉल्ट, ऑयल एंड वाटर। अब क्या सेपरेट होगा बेटा? माइक अपने पास लो बेटा, मुझे सुन नहीं रहा। आई कांट हियर यू। जोर से बोलो, सभी बच्चे बोलो पहले, जरा जल्दी से। हाँ सब बोल रहे हैं, बट आप नहीं बोल रहे बेटा, मुझे लगता नहीं। डू यू नो, यस और सभी नो? अच्छा, क्या क्या सेपरेट होगा? ऑयल किस प्रोसेस से? नहीं, डिकेंटेशन से थोड़ी अलग होगा, किससे अलग होगा? हाँ जी, देर इज वन गर्ल सिक्स बी जो पीछे खड़ी है। हाँ आगे आओ, भाग कर आओ। आप चलो बेटा अपनी सीट पर। द अदर गर्ल, कम क्विकली। सेपरेटेड यस, वेरी गुड। ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय सेपरेटिंग फनल। वेरी गुड, वेरी गुड। देन थर्ड, सॉल्ट इज सेपरेटेड सिक्स सिक्स्थ सी। यस, रेज योर हैंड्स। देयर इज वन बॉय। यस, वन बॉय फोर्थ बेंच आई होप। हाँ जी, जल्दी से भाग कराओ। इवेपोरेशन इवेपोरेशन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा, सो सॉल्ट इज सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन एंड वॉटर वेपर्स आर चेंज्ड इनटू वॉटर बाय कंडेंसर, कंडेंसेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, दैट इज व्हाट इज सेपरेटेड, सैंड सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेकेंड लिख रहे हो, लिख लो फिर। ऑयल इज सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। ऑयल इज सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। देन सॉल्ट, बेटे चीजें नीचे मत गिरो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, है ना, ऐसे डिस्टरबेंस आपको होती है। देन सॉल्ट इज सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। सॉल्ट इज सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। सिक्स जी थर्ड बेंच बेटा, आराम से लिखना शुरू करो। एंड वॉटर वेपर्स आर चेंज्ड इनटू वॉटर बाय कंडेंसेशन। ऐसे क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं बेटा, सिंपल नहीं आएगा, है ना। तीन चार का मिक्सचर दे देंगे और फिर कहेंगे भी सेपरेट करो। ओके, प्रॉपरली अब एक और मैं क्वेश्चन देती हूं। अब हमने पांच मिक्सचर्स ले लिए, सॉल्ट, सैंड, हमने यहाँ पे ऑयल, पर सॉल्ट, सैंड एंड वाटर एंड आयरन फाइलिंग्स। एंड ऑयल साथ में वाटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले किसको सेपरेट करोगे बेटा? सबसे पहले किसको सेपरेट करोगे? हम हाँ जी, सिक्स ई बता रही है। हाँ, अभी सैंड तो नहीं बेटा, कुछ और आएगा, मुझे आंसर कहीं से आया है। फीलिंग्स। आयरन फिलिंग, सेवन सिक्स एफ ने आंसर दिया। सबसे पहले तो हम मैग्नेट डालेंगे, पहले तो आयरन निकाल दो, उसके बाद पानी में घोल देंगे सबको, सैंड निकाल दो, फिर सेपरेटिंग फनल से ऑयल निकाल दो,
फिर इवेपोरेशन से सॉल्ट निकाल दो, ठीक है? तो फर्स्ट मैग्नेटिक जो आयरन फाइलिंग्स है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए जी, चलिए, दिस इज गुड। नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, 6D में मुझे आंसर देना है बेटा। जशनप्रीत, 6D दिल्ली वाले ने, जशनप्रीत ने आंसर देना है मुझे, इसलिए कर लो फटाफट से। यू हैव 1 मिनट। 1 मिनट बोला है मैम, बाकियों को भी तो बताइए। जशनप्रीत नहीं है 6D में। 6D में जशनप्रीत नहीं है? नो, 6C में है आई होप। हाँ 6C में है बेटा जशनप्रीत। चलो पहले जशनप्रीत 6C से ही हम आंसर लेते हैं। आ जाओ जशन। हाँ जी बेटा, ए फार्मर वॉज सैड की हैप्पी। आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले हेलो तो कर दो मुझे जल्दी से। एक मिनट, 6C ने 6C, जशन बताएगा बेटा। बेटा अपना माइक ऑन कर जल्दी से पहले, आपकी आवाज नहीं मुझे। मैम कंप्यूटर से ऑफ है माइक। हाँ अब ऑन है, अब बोलो जरा। इधर से माइक ऑन करो, इधर से जो माइक है ना उसको थोड़ा सा उसका बटन ऑन करो बेटा। 6C सारे बोलो जरा। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। जशन बैठो बेटा, ऑल दो आएगी मैम। जरा सर को बुला के अपना माइक चेक करवाओ, आपका कंप्यूटर से भी ऑफ है वो ऑन कर लो, और थोड़ा सा बोलना शायद आवाज आए ना। चलिए कोई बात नहीं, 6D में से आ जाइए बेटा। परनीत, यस मैम। हाँ जी 6D परनीत, 6G बेटा बॉयज अपनी जगह पे बैठो बच्चे। हाँ जी बेटा क्या है? फार्मर वॉज मैम हैप्पी, हैप्पी टू सी हिज हेल्दी वीट क्रॉप, और ही हार्वेस्टेड द क्रॉप्स एंड लेफ्ट इट अंडर द सन सन टू ड्राई द स्टॉक्स, टू सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टॉक ही थ्रेश्ड थ्रेश्ड देम। After gathering the seed grains, he wanted to separate the stones and husks from it. His wife? Winnowed. Winnowed them to separate the husk and later? Sieved. Later? Sieved. My voice is audible? Yes, now it's audible, beta. Very good. See, यहाँ पे बेटा hand picked आ जाएगा. Stones बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो hand picked आ जाएगा. Hand pick to remove stones. She ground the wheat grains and जो हम आटा sieved sieved the flour. बिल्कुल ठीक है, ठीक है। The wise farmer and his wife got a good price for the flour. Can you tell why? Because they did hard work. They got good crop and they did all the you know phenomena properly. ठीक है, बैठिए बेटा, बैठो। अब 6C में से, क्योंकि इनकी आवाज आ गई है नाउ, अब हम किसी और स्टूडेंट को बुला लेते हैं। खुशी, खुशी इज देयर? 6C खुशी आ जा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट पढ़ो और मुझे बताना। आपकी आंसर शीट में होना चाहिए। 6C में से खुशी बेटा आप पढ़ो 15वां क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। ये मडी वाटर है, उसको पीने लायक बनाना है पहेली ने। पहेली इज ए यू नो नेम ऑफ ए गर्ल। एक मडी वाटर है, उसके घर में पानी है नहीं, मडी वाटर है। तो उसकी मम्मा ने उसको कुछ सिखाने के लिए क्या किया है, कुछ चीजें दे दी। क्या दे दिया? टब हैविंग मसलिन क्लॉथ। सबसे पहले
मसलिन क्लॉथ से उसने क्या किया, उसने छान लिया, मसलिन क्लॉथ से पानी डाला और फिर वाटर ले ली, फिर उसने किया सेकेंड स्टेप, उसने क्या किया खुशी, क्या किया सेकेंड, टब में डाला, नहीं टब में तो आ ही गया पानी ना, क्लॉथ से डाला, टब हैविंग डर्टी वाटर, डर्टी वाटर तो है ये, हैविंग वाटर विद सस्पेंडेड पार्टिकल्स, हम गैस स्टोव नहीं, सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड मतलब ऊपर ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा है, तो इसमें हमने, बैठो बेटा बैठो, आप बैठो, इसमें हमने क्या किया, एलम ऐड किया, सब अपने माइक्स ऑफ करो और सुनो ध्यान से, एलम इज एडेड, एलम क्या करता है बेटा, एलम जो है, एलम कॉजेस लोडिंग, लिख लेना पहले समझ लो, लोडिंग क्या मतलब है कि ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मीन्स जो ऊपर तैर रहे हैं, गंदे से पार्टिकल्स, मिट्टी के जो पार्टिकल्स ऊपर तैर रहे हैं, तो इसमें क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, स्टिक ऑन एलम, एलम होती है फिटकड़ी, एलम के ऊपर वो स्टिक कर गए, बिकम हैवी, एंड सेटल डाउन, नीचे बैठ गए, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया डिकेंटेशन, वो नीचे बैठ गए, उसके बाद साफ वाला पानी हमने दूसरे में डाल लिया पैन में, और फिर बॉइलिंग, सो दैट एनी माइक्रोब्स, कुछ भी उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट है वो सब मर जाएं, राइट right? तो हमने सबसे पहले क्या किया, मसलिन क्लॉथ से उसको छाना ताकि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो अलग हो जाए, उसके बाद जो मडी वाटर आया तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऊपर है, ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, वो नीचे बैठने का नाम ही नहीं ले रहे, पतले पतले छोटे छोटे है, हमने एलम फिटकड़ी डाल दी, जिसने क्या की, लोडिंग, लोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोडिंग में क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल जो है, जो हल्के पार्टिकल्स है वो एलम से स्टिक कर गए और भारी हो गए, नीचे बैठ गए, फिर हमने डिकंडेशन कर ली, साफ पानी आया, बट क्योंकि मड्डी था तो उसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, इसलिए हमने उसको बॉयल किया ताकि उसके जर्म्स मर जाए, फिर उसको ठंडा करके पहेली ने पी लिया, इज इट ओके, लिख लिया, फर्स्ट स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन बाय मसलिन क्लॉथ, लिख लो क्वेश्चन नंबर 15, असाइनमेंट में ही लिख लो आंसर नीचे करके, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है, क्या आएगा, फर्स्ट है फिल्ट्रेशन बाय मसलिन क्लॉथ, सेकंड आ जाएगा लोडिंग विद एलम, लोडिंग विद एलम, लोडिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए, थर्ड स्टेप आ जाएगा डिकेंटेशन, डिकेंटेशन, फोर्थ स्टेप आ जाएगा बॉइलिंग टू किल जर्म्स, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, आपको जो है ना गिलास है ना, सर्दियों में अगर हम कहें, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में उस गिलास में आपको 4 चम्मच चीनी घोलनी है, ग्लास ऑफ वाटर, बट वो घुल नहीं रही अच्छी तरह से, तो आप क्या करोगे उसको घोलने के लिए, हीट करेंगे, बिल्कुल ठीक है, उसको हम हीट कर लेंगे, बट अगर एक गिलास पानी है
और उसमें 20 चम्मच चीनी डालनी हो और हीट भी कर लिया, क्या हीटिंग के बाद सारी चीनी घुल जाएगी? नहीं बेटा, एक लेवल के बाद जो है चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वाटर की भी एक कैपेसिटी है अपने में सॉल्यूशन घोलने की, सॉल्यूट घोलने की। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स चीनी नहीं घोल सकता, तो हम उसको कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है सेचुरेटेड सॉल्यूशन? कि मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट टू डिसॉल्व द सॉल्यूट। लिखो हाँ लिखो जरा, डेफिनेशन लिखो, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ द वॉटर टू डिसॉल्व द सॉल्यूट, सॉल्यूट मीन शुगर या सॉल्ट, टू डिसॉल्व द सॉल्यूट, SOLUTE। SOLUTE ब्रैकेट में लिख सकते हो, सॉल्यूट क्या है? शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा, फुल स्टॉप करके लिख लो। व्हेन द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, व्हेन द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, व्हेन द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, नो मोर सॉल्ट और शुगर, नो मोर सॉल्ट और शुगर कैन बी डिजोल्व इन इट, कैन बी डिजोल्व इन इट। बेटा ये आपकी बुक में, ऑल्दो ये सेचुरेटेड सोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये बहुत लेट आता है, बट आप घर में ना जाकर आज आपने देखना है, ठीक है, कि आपने वेस्टेज तो थोड़ी सी होगी, बट एक काम करना, पानी थोड़ा ले लेना, पानी थोड़ा लेना, उसमें देखना कितने चम्मच आप चीनी मिला सकते हो, राइट, या नमक मिला सकते हो या चीनी मिला सकते हो। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे उसमें चीनी मिलनी बंद हो जाएगी, वो जितनी मर्जी कोशिश हो, उसको हीट भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, तो वो घुलेगी नहीं उसमें। ठीक है, तो वो क्यों क्यों नहीं घुलेगी? क्योंकि अब वाटर मॉलिक्यूल सेचुरेट हो चुकी है, अब सोल्यूशन सेचुरेटेड है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। बोथ सारिका एंड मोहन वर आस्क्ड टू मेक सॉल्ट सोल्यूशन। सारिका वॉज गिवन ए टी स्पून ऑफ सॉल्ट, एक चम्मच दे दिया, एंड हाफ ए ग्लास ऑफ वॉटर। वेयर एज मोहन वॉज गिवन 20 टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड हाफ ए ग्लास ऑफ वॉटर। हाउ वुड दे मेक सॉल्ट सोल्यूशन? दे मेक सॉल्ट सोल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉल्ट एंड वॉटर एंड हीटिंग इट। कैसे बनाएंगे? मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड वॉटर एंड देन हीटिंग इट। हु वुड बी एबल टू प्रिपेयर सेचुरेटेड सोल्यूशन? ये कौन बताएगा? सिक्स ई बताएंगे, सिक्स ई में लेट मी आस्क वन स्टूडेंट, अविजोत, अविजोत इज देयर सिक्स ई? नो अविजोत नहीं है। कबीर इज देयर? कबीर आजा बेटा। सारिका और मोहन में से कौन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकेगा? हाँ माइक ऑन कर दे बेटा। सारिका बेटा सारिका के देख, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और ज्यादा सॉल्ट नहीं है। हाँ आप बताओ कबीर। मोहन मोहन, क्योंकि उसने पहले इतना सॉल्ट बना जमा कर लिया, मिला लिया, इसके बाद और सॉल्ट नहीं, सो आंसर इज मोहन। बैठो बेटा, कबीर बैठो। चलिए जी, क्वेश्चन 11, 12 एंड 13 ये कीजिए, 11, 12 एंड 13 जल्दी से करो, फिर हम बात करते हैं आगे।
सिक्स्थ एफ ने अब आंसर मुझे देना है, रोहित ने, सिक्स्थ एफ रोहित ने आंसर देना है। कोई बात नहीं, अभी आप कर लो। इलेवन, और सिक्स्थ जी, मैं इलेवन बी पार्ट। इलेवेंथ है बी पार्ट। देखें जरा बेटा, जब हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो जो चाय बन जाती है वो क्या है? वो मिक्सचर है। चाय की पत्तियां डाल दी या डाल दी, उसको जब हमने फिल्टर कर दिया तो नीचे क्या, जो चाय आ जाती है उसको क्या हम कहेंगे? फिल्ट्रेट। और जो चाय छालनी में पड़ा रह जाएगा, दैट इज रेजिड्यू। रेजिड्यू मीन्स जो बच गया। तो लेट्स सी, एक्स इज मिक्सचर, वाई इज फिल्ट्रेट। नहीं बेटा, वाई नहीं है, वाई इज रेजिड्यू एंड जेड इज फिल्ट्रेट। ठीक है बच्चे, मैम ए पार्ट। मिक्सचर, रेजिड्यू, फिल्ट्रेट, यस इट्स ए पार्ट। इलेवेंथ का ए पार्ट है बेटा, जो चाय नीचे आ जाती है छलनी से, दैट इज फिल्ट्रेट। और जो बच जाता है छलनी में, रेजिड्यू, जो बच जाता है, जो चाय पत्ती बच जाती है, दैट इज रेजिड्यू। ओके, सिक्स्थ जी, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, किसको मेरी आवाज नहीं आ रही? सिक्स ए, एम आई ऑडिबल? सिक्स बी, एम आई ऑडिबल? सिक्स बी, सिक्स सी, सिक्स डी, सिक्स ई, सिक्स एफ, सिक्स एफ एम आई ऑडिबल? ओके, चलो सबको सुन रहा है फिर तो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सिक्स जी, सिक्स जी वाले आएंगे जी, गुड़गांव वाले, हेमंत, हेमंत इज देयर? हेमंत जल्दी से बेटा, हाँ जी, आयरन फाइलिंग्स है, फिर हमारे पास क्या क्या है? आयरन फाइलिंग, सैंड, सॉल्ट एंड कैम्फर। तो सबसे पहले कैम्फर जो है वो अलग हुआ है बेटा। किस प्रोसेस से कैम्फर अलग होता है आपको पता है? कि कैम्फर, कैम्फर क्या होता है? कपूर। जब आप पूजा पाठ करते हो तो कपूर, जब हम हवन करते हैं तो उसमें अग्नि देनी होती है, तो हम कपूर का यूज करते हैं, दैट इज कैम्फर, है ना। वो सॉलिड से हमेशा किसमें चेंज होता है? गैस में। वो कभी भी लिक्विड नहीं बनाता। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? ना 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 ना, इवेपोरेशन तो वॉटर टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस है, या तो सॉलिड डायरेक्टली टू गैस है। यस, सिक्स्थ जी में से एक बच्चे का हाथ खड़ा है, आ जाओ आगे, आ जाओ आप, बैठो बेटा, सुनना है ध्यान से, जोर से बोलो। अगर सबलिमेशन कहा है तो ठीक है, वैसे मुझे आपकी आवाज सुनी नहीं है, बट इट्स सबलिमेशन, फिर ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो जब मैम आंसर फ्रॉम 6th ए पार्ट। अभी हम देखते हैं, देखते हैं, सॉलिड टू गैस अगर चेंज हो रहा है सीधा, दिस इज सबलिमेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहां देखेंगे तो कैम्फर अलग हुआ, किस प्रोसेस से होगा? सबलिमेशन से। फिर आयरन फाइलिंग्स अलग हुई, किससे? मैग्नेटिक सेपरेशन से। फिर उसके बाद एड वाटर और सैंड, डिकेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से, और फिर सॉल्ट, इवेपोरेशन से। सो आंसर ए, 12th का ए, 6th एफ ने आंसर दिया है ए। सबसे पहले कैम्फर अलग हुआ, सबलिमेट किया मिक्सचर को,
तो कैम्फर चेंज हो गया गैस में, वो चला गया बाहर। उसके बाद हमने मैग्नेट लिया और आयरन, मैग्नेट से आयरन फाइलिंग्स उससे चिपक गई, वो हमने बाहर निकाला। फिर हमने पानी में घोला, सैंड नीचे बैठ गई। फिर हमने फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लिया, फिल्ट्रेशन। और फिर जो नीचे पानी आया उसमें क्या है, सॉल्ट है, तो वो हम कैसे उसको करेंगे सेपरेट, इवेपोरेशन। आंसर इज ए। नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान देना बेटा अब जरा जल्दी। ये है बेटा क्वेश्चन है कि मिक्सचर है पी प्लस क्यू प्लस आर, फिल्ट्रेशन से क्या अलग हुआ, सॉलिड है आर अलग हो गया। फिर पी प्लस क्यू ये रह गया सॉल्यूशन में, पानी में ये रह गया, इवेपोरेशन हुई और यहां बच गया सॉलिड पी। मैम आंसर फ्रॉम सिक्स्थ एफ डी पार्ट। बेटा अभी सिक्स एफ से नहीं हम बात करेंगे, अभी हम सिक्स सी से बात करेंगे। सिक्स सी बताएगी कि पी क्या है, वहां पे पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। पी क्या है सिक्स सी? सॉलिड नहीं, सॉलिड तो है बट क्या है, यहाँ पे तीन चीजें हैं, चॉक पाउडर है या वॉटर एंड सॉडस्ट या फिर ये ए ऑप्शन है, मतलब पी उसने कहा ये है, क्यू ये है, आर ये है। बी कहता है पी है सॉल्ट, क्यू है वॉटर एंड आर है शुगर। ऑप्शन सी ऑप्शन कहता है पी है शुगर, क्यू है वॉटर एंड आर है सॉडस्ट। फिर डी ऑप्शन कहता है पी है सॉडस्ट, क्यू है वॉटर एंड आर है शुगर। तो एक तो सबसे पहले है कि वॉटर ही है, क्यू तो वॉटर ही है, बट पी एंड आर देखना है। पी किससे मिल रहा है, इवेपोरेशन से मिल रहा है। सी बी पार्ट आपने कहा बी पार्ट, पी सॉल्ट आर शुगर, शुगर फिल्ट्रेशन से मिलेगा। बेटा फिल्ट्रेशन से तो वो चीज मिलनी चाहिए जो इनसॉल्युबल है। मैम बी पार्ट, इट इज डी पार्ट। नहीं आई एम सॉरी आई एम नॉट, इट्स सी बेटा। देखो अपने माइक ऑफ करो पहले। पी क्या है, शुगर, यहाँ पे क्यू है वॉटर, शुगर प्लस वॉटर ये घुल जाता है, जब इवेपोरेशन होगी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा, शुगर रह जाएगी। और जो सॉडस्ट है वो इनसॉल्युबल है, तो यहाँ पे ये क्या सेपरेट हो गया, सॉडस्ट सेपरेट हो गया, इजंट इट। सो आंसर इज सी। पहला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों इनसॉल्युबल है, तो ये तो फिल्ट्रेशन से दोनों इकट्ठे ही आ जाएंगे, क्या करेंगे। यहां पर ये दोनों सॉल्युबल है तो आर हो नहीं सकता, यहां पर इवेपोरेशन से सॉल्युबल होना चाहिए तो ये उल्टा होना चाहिए, तो उल्टा कहां पे, यहां पे। सो पी शुगर, क्यू वॉटर, आर इज सॉडस्ट। देखो समझ में आई कि नहीं आई। एवरीबडी सिक्स ई को समझ आ गई, सिक्स एफ। मैम यस।
चलो जिसको नहीं समझ में आई रेज योर हैंड्स। यस ओके वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, सिक्स्थ ए में से आंसर देगा कोई। असर्शन रीजन है जी। सो सिक्स ए, हरसीरत, हरसीरत इज देयर, कहां पर है हरसीरत, जरा जल्दी से बताओ कौन से सेक्शन में है। यस सिक्स है, वेरी गुड। चलिए सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वॉटर, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सी वॉटर इज कॉल्ड, तो सीरत बताओ जी। सीरत जो की फॉल्स द सॉल्ट फ्रॉम सी वॉटर, ट्रू ट्रू की फॉल्स मैम, ट्रू ट्रू है, रियल गलत है मैम, रीजन इज फॉल्स बेटा। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वॉटर, पानी में सॉल्ट घुला हुआ है तो कैसे निकालेंगे, कैसे करते हैं बेटा। इवेपोरेशन ही तो है, सॉल्ट और वाटर को कैसे अलग करेंगे, इवेपोरेशन से ही करेंगे। बैठो बेटा बैठो। सो बोथ आर करेक्ट बट इट डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन कि सी वाटर से क्यों निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं वो तो बता दिया बट क्यों निकालते हैं ये नहीं इसमें बता। तो बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, सो आंसर इज बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर टेंथ बेटा, असर्शन दिया हुआ है, रीजन इसका लिख लो, रीजन इसका मिसिंग है, रीजन की स्टेटमेंट लिख लो, बोथ आयरन एंड राइस आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर टेंथ रीजन लिख लो, बोथ आयरन एंड राइस आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब देखिए आंसर क्या है, सोचो और फिर मुझे सिक्स्थ डी में से आवाज आनी चाहिए, कोई बच्चा आए और फिर मुझे बताए, एनी स्टूडेंट वॉलंटियरली। आपने कहा सी पार्ट, बिल्कुल ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड राइस फ्लोर कैन बी सेपरेटेड बाय विंग मैग्नेट, बिल्कुल ठीक है, दिस इज ट्रू, बट बोथ आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दिस इज फॉल्स बिकॉज आयरन इज ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, सो आंसर इज सी, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, वेरी गुड। इससे पहले आ जाइए, फर्स्ट पेज पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ एंड एट। मैम सेवेंथ डन, सेवेंथ डन, बताइए जरा सिक्स्थ ई सेवेंथ, आंसर बताओ। किसने कर लिया था, सिक्स ई ने, हाँ बताओ आंसर, आपकी आवाज नहीं आई बेटा मुझे। मैम असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, देखे हम बिल्कुल ठीक है, सो आंसर डी दिल्ली इज करेक्ट। सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड, विंड से क्या करते हैं हम, विनोइंग करते हैं, ठीक है, सीविंग नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स है। और रीजन सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, बिल्कुल ठीक है, तो जो छोटे साइज के होंगे वो नीचे आ जाएंगे, जो ऊपर बड़े बड़े साइज के वो छलनी में ही रह जाएंगे, सो आंसर डी दिल्ली इज करेक्ट। चलिए जी
कहां से आवाज आएगी मुझे अब देखो जरा. यस सिक्स सी बता रहे हैं मुझे. हाँ सेडिमेंटेशन इज ए प्रोसेस टू सेटल द हैवियर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आफ्टर एडिंग वॉटर. ठीक है ये ट्रू की फॉल्स. सिक्स सी ट्रू है ये. When the water is removed, the process is called as decantation. True की false? True. बिल्कुल ठीक है. So answer यहाँ पे दोनों statements correct है, but reason नहीं है. So answer B, Bombay is there. Question number 8, Bombay. I hope we have done the complete assignment. Anything you want to ask? देखो जरा कुछ पूछना है हमारे पास अभी भी 6-7 minutes hai. Anything you want to ask? Any problem? आप ये देखो मैं आ रही हूँ जरा एक मिनट. अगर किसी को आप खड़े क्यों हो रहे हैं छठी का पेपर होएगा साइंस का पेपर. हाँ जी बेटा फटाफट से मॉड्यूल फर्स्ट का 14th नहीं समझ आया. क्वेश्चन नंबर 14 मैम. यस ओके लेट मी सी. सी फूड स्पेशली सी वीड्स. सी वीड्स होती है जो पानी में ऐसे ही होती है हम उसको लगाते नहीं है. रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स बेटा. जो सी फूड है सी फूड प्रॉन्स या क्योंकि पानी में बहुत ज्यादा आयोडीन होता है इसलिए प्लांट्स में जो एनिमल्स है प्लांट्स है उनमें क्या आ जाता है आयोडीन आ जाता है. नमक में भी आयोडीन होता है. यस और नो? यस. ओके अच्छा जल्दी से मुझे बताइए एनीबडी आप जरा अपना माइक ऑफ करो. आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज है? सनशाइन विटामिन कौन सा है? सनशाइन विटामिन विटामिन डी. दिल्ली वाला विटामिन डी. ठीक है. ऑयल फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर यस और नो? सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल यस और नो? ठीक है जी. उसके बाद बटर एंड मिल्क को कैसे सेपरेट कर लेंगे? बटर फ्रॉम द मिल्क कैन बी सेपरेटेड बाय? मैम बाय चर्निंग. बाय चर्निंग वेरी गुड वेरी गुड. अगर हम कटी हुई सब्जियों को बहुत ज्यादा धोते हैं या पकाते हुए अगर हम बहुत पानी यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं देन व्हाट इज लॉस्ट? लॉस ऑफ मिनरल्स एंड वाटर सोल्युबल विटामिंस. यस और नो? मैम 6-13 क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन? 30-0. यस 30. आप देखो जरा फटाफट से. यू सी कि डेविड क्या खाता है? मिल्क ब्रेड फिश एग्स बटर पल्सेस कैरेट्स लॉट ऑफ पोटैटोज नो फ्रूट. सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स एंड पुअर इम्यूनिटी. डिजीज क्या है? ब्लीडिंग गम्स किसका है? स्कर्वी. एंड फूड टू बी एडेड फ्रूट्स फ्रूट्स. अलका शी इज लैक्टोज इनटॉलरेंट. बेटा मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है उसको लैक्टोज हजम नहीं होता तो उसको दूध के कोई प्रोडक्ट्स नहीं देते. शी इज वेजिटेरियन. शी ईट ओनली चपातीज एंड सीजनल वेजिटेबल्स नो पल्सेस. तो सिम्टम्स उसको डिजीज हो गया क्वाशियोरकर. सिम्टम क्या है? पॉट बेली पोर
हाँ पॉट बेली है, पुअर मसल्स है, मेंटल कंफ्यूजन्स भी है, और फूड टू बी एडेड लॉट ऑफ पल्सर, कर्ड। कर्ड में बेटा लैक्टोज नहीं होता, इसलिए जो दूध नहीं पी सकते उन्हें दही खानी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि वेजिटेरियन है वो। सौम्या, शी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर ब्यूटी, सो नो कार्ब्स। कार्ब्स मीन्स कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, नो फैट्स। उसने कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लेने, फैट्स भी नहीं लेने। ईट स्प्राउट सैलेड फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्यू चपातीज। नो मिल्क नो मीट, ड्राई स्किन थिनिंग ऑफ हेयर लेस एनर्जी। मरास्मस डिजीज है, मरास्मस, यहाँ पे मरास्मस के नीचे लिख लो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। मरास्मस किसके कारण है? डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। एंड फूड टू बी एटेड शुगर्स, पल्सेस, मिल्क, घी एक्सेट्रा एंड एग। एग्स भी अगर वो खाते हैं तो, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है बेटा? अच्छा मुझे ये बताइए कि मैथ्स आपका सबको आता है? कोई डाउट है मैथ्स से जो आपने जो आपको स्कूल में आना है?